अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था और दो प्याली और मैंने उसको छान लिया था और फिर मैंने यहाँ पे तीन अदर प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चकोर काट के इसमें वो डाल दिया था। और उसके बाद हम फिर इसमें डाल देंगे दो कुटी हुई मिर्चें, आधा चमचा हल्दी और एक चमचा नमक। उसके बाद हम एक चमचा ज़ीरा और एक ही चमचा हम इसमें साबुत धनिया का डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें एक गिलास पानी डाल के घोल लेंगे बेसन को। और इस तरह से फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ से इसको घोला। अच्छा, मैंने एक ही गिलास में मेरा हो गया था, आप फिर अपने उसके हिसाब से रख लीजिएगा इसके अंदर पानी। और इस तरह से यहाँ पे ये मेरा तैयार हो गया था बेसन। फिर मैंने इसमें सोडा डाल दिया था, हमेशा मैं एंड में डालती हूँ सोडा, भूल जाती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। इसको खूब फेंट लीजिएगा और फिर इसको रेस्ट दे दीजिएगा। कम से कम आप दें तो आधा घंटा या एक घंटा रेस्ट दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक घंटा दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने पकौड़े तैयार कर लिए थे, ये मैंने पकौड़े बना लिए थे, रेडी कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं इन पकौड़ों को पानी में डिप कर दूँगी। और एक पतीली में मैंने पानी ले लिया था, उसके बाद मैं भिगो दूँगी। ज़्यादा देर नहीं भिगोना, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 मिनट इनको भिगो के फिर निकाल लेना है। और फिर यहाँ पर मैंने दही ले ली थी, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ हरा धनिया और कुटी हुई हरा धनिया और मिर्चें डाल दी थी मैंने, हरी मिर्चें। उसके बाद यहाँ पर मेरे दही बड़े तैयार हो गए थे। और फिर मैंने ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च के तड़का लगा दिया था मिर्च का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब।